पब्लिक टीवी आपकी आवाज। जनपद संबल के चंदोसी में जीके सिल्वर स्टोन में हाई स्कूल में पढ़ रहे छात्र को शिक्षक ने ट्यूशन ना पढ़ने को लेकर बुरी तरह पीटा। आरोप है कि विद्यालय का एक शिक्षक विकास कुमार लगातार प्रांजल पर ट्यूशन पढ़ने के लिए दबाव बना रहा था, लेकिन प्रांजल शिक्षक से ट्यूशन पढ़ना नहीं चाहता था। बताते हैं कि सुबह के समय शिक्षक विकास ने प्रांजल को बुलाया और होमवर्क पूरा नहीं करने का बहाना लेकर उसे डंडों से पीटना शुरू कर दिया, जिससे निशान छात्र के शरीर पर भी बन रहे। छात्रों ने घर पहुंचकर अपने परिजन को चोट के निशान दिखाते हुए पूरी बात बताई तो उसके पिता कोतवाली पहुंचे, आरोपी शिक्षक के खिलाफ तहरीर दी, जिसमें ट्यूशन नहीं पढ़ने पर छात्र को डंडों से पीटने, फेल करने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पुलिस ने शिक्षक विकास कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। वही स्कूल प्रबंधक ने बताया कि शिक्षक का कहना था कि होमवर्क छात्र ने पूरा नहीं किया। जब पूछा तो छात्र ने काफी अकड़ कर गलत अंदाज में जवाब दिया, जिससे शिक्षक को गुस्सा आ गया। हालांकि छात्र के परिजनों से शिक्षक ने माफी भी मांग ली है, लेकिन परिजन नहीं माने तो शिक्षक विकास कुमार को स्कूल से निष्कासित कर दिया गया है। क्लास में पढ़ते हैं, कौन से? मेरा नाम प्रांजल वासनी है, मैं 10th क्लास में पढ़ता हूँ जीके सिल्वर स्टोन पब्लिक स्कूल। मैं आज स्कूल गया था, मेरा सबसे सही था, सब में वर्क कंप्लीट था ज़्यादातर। बस मैथ्स में थोड़ा होमवर्क रजिस्टर नहीं था और एक हिंदी में। मैथ्स में सर आज आए, मैंने क्लास वर्क तो पूरा कंप्लीट कर लिया, अभी चेक करवा कर सर ने वो देखा, सर ने कही सही है होमवर्क दिखाओ। मैंने कहा था सर मेरा आधा होमवर्क हो रहा है आधा नहीं हो रहा है सर, जो सवाल मुझे आए नहीं थे वो नहीं करे मैंने। सर आए इतनी तेज डंडी लेके मेरे को। कौन सर, नाम बताइएगा? विकास मिश्रा सर। उनने से मैंने कहा था कि सर मेरा आज कल दे दूंगा मैं आपको पक्का। सर ने कही नहीं मुझे आज ही चाहिए। फिर सर ने लिए कम से कम 10-12 डंडे मेरे में मारे इतनी गंदी तरीके से। मैंने कहा सर सॉरी, तो सर ने और मारा। फिर मेरे को बहुत पेन होता था जब मैं रो रहा था, तो सर फिर आए डंडा लेकर मेरे लिए कि यार फिर 2 डंडे और मुझे मारे। इससे पहले भी आपको पीटा गया है? इससे पहले मेरे को एक दो बार पीटा गया है। एक बार वजह क्या है, ट्यूशन पर दबाव बनाया जा रहा है? वजह यही है, ट्यूशन पर दबाव बना जा रहा है कि हम तो हमारी जो पढ़ाई है ना वो विकास सर कवर नहीं करवा पाते, हमें समझ नहीं आ पाता ढंग से। तो हमने दूसरे टीचर पे गए, हम उसका नाम है जीनियस कोचिंग सेंटर में मैं इस टाइम प्रेजेंट में पढ़ता हूँ। उसकी फीस भी थोड़ी कम है, विकास सर से थी 900 रुपीज़। मैंने कहा ट्यूशन ना पढ़ने की वजह से आपको पिटाया जाता है, सीधी बात ही है। इतना इरिटेट करा जाता है मेंटली और सोशली कि मैं कुछ करना भी चाहूँ तो नहीं कर सकता मैं। तक क्लास से कुछ और बच्चे भी ऐसे हैं जिनको पिटा जाता है ट्यूशन ना पढ़ने पर? हाँ, 2-3 स्टूडेंट्स और हैं मेरे फ्रेंड्स, वो भी जो है ना हमारी क्लास में टोटल 5 बॉयज़ है, 1 तो आता नहीं है ज़्यादातर, 4 बॉयज़ आते हैं, उनको इतना इरिटेट करा जाता है। गर्ल्स ज़्यादातर मोस्टली उन्हीं से ही पढ़ती हैं ट्यूशन, तो गर्ल्सों से वो ज़्यादा कुछ नहीं कहते, बॉयज़ों से इरिटेट करते हैं। मेरे बेटे का नाम अंजन बाशने है, जीके सिल्वर स्टोन मेला ग्राउंड में पढ़ता है वो, और 10th क्लास में है। ट्यूशन के लिए उसे प्रेरित इतना करा जा रहा है स्कूल में, इतना टॉर्चर ये कई एक दफ़े भी ये बात हो चुकी है। मतलब आज तो सुबह 9:30 बजे करीब बहुत मतलब ये मारा है, उसके हाथ तो उठ ही ना रहा है सब। उसमें आपने कोई शिकायत की स्कूल वालों से? स्कूल वालों से पहले भी सर शिकायत कर चुके हैं। क्या कहना है स्कूल वालों का? तो बस यही कहना है कि अच्छा सही है, देख लेंगे, ये कर लेंगे। इस मामले में आपने कोई पुलिस में केस दर्ज कराया है? उस वक्त पुलिस में हमने कोई केस दर्ज नहीं करवाया था, केवल स्कूल में ही हमने कहा था शिकायत, हमारी कंप्लेंट जो भी लगती है स्कूल में ही हम लगा। देखिए, टीचर हमेशा भगवान का रूप होता है और स्टूडेंट हमेशा ये चाहता है कि वो पढ़ाई ना करे। जिस बच्चे के बारे में ये घटना है, उस बच्चे का जो पास्ट है वो कभी भी अच्छा नहीं रहा है, ना वो पढ़ने में होशियार है। पिछली बार 6 महीने पहले स्कूल से वो रस्टिकेट भी हुआ है, लड़ने झगड़ने के उसमें वो बच्चों से मारपिटाई करता है और इस कारण कई कंप्लेंट उसकी हैं। उनके पेरेंट्स की रिटर्न में हमारे पास माफ़ीनामा मिली है कि हमारे बच्चे को आप दोबारा पढ़ाइए, आगे से ये नहीं करेगा। बच्चा पढ़ने में वीक है, काफ़ी वीक है, इस दौरान स्कूल बंद हो चुके हैं, फिर भी हमारा स्कूल उनको फ्री एजुकेशन दे रहा है। पिछले 25 दिन से हम लोग एजुकेशन उनको दे रहे हैं, जिसका हम कोई चार्ज नहीं कर रहे हैं। टीचर ने उससे सिर्फ इतना पूछा कि भाई आप होमवर्क करके क्यों नहीं ला रहे? उस होमवर्क का उसने जवाब दिया कि मैं होमवर्क करके नहीं लाऊंगा, आप पर जो करा जाए वो कर लीजिए, चाहे दोबारा मुझे सस्पेंड करा दीजिए। अगर इसमें भी टीचर की कमी है
तो बिल्कुल कमी है, टीचर ने मारा है, आई एडमिट, टीचर ने दो स्टिक मारी है उसको, लेकिन दिखाया ज़्यादा जा रहा है जबकि सिर्फ दो बार उसको पनिश